मुझसे जो मिलके मजा है कहां वो गणित के सवालों में है। नमस्कार साथियों, एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस के सीरीज में आज टाइम एंड वर्क की अपनी ये 9th वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भाई, 6 पुरुष और 8 स्त्रियां एक कार्य 10 दिनों में कर सकते हैं, तो 3 पुरुष तथा 4 स्त्रियां वही कार्य कितने दिनों में कर पाएंगे? देखो भाई, पहले थे 6 मैन और 8 वुमेन, ये ले रहे थे 10 दिन। अब कह रहा है 3 मैन है और 4 वुमेन है, ये कितना दिन लेंगे? तो देखो भाई, एफिशिएंसी आधी होगी कि नहीं होगी? भाई 6 आदमी से 3 आदमी हो गए, भाई आधे हो गए। 8 औरतें थी, अब 4 औरतें हो गई, भाई आधी हो गई। तो मैं कहूंगा जब भाई लोग आधे हो रहे हैं, मतलब कि क्षमताएं आधी हो रही हैं, तो भाई समय दुगना लगेगा। तो मैं कहूंगा भाई अगर लोग आधे हो गए तो पहले 10 दिन लगते थे, तो अब 10 से दुगने भाई कितने 20 दिन लगेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ भाई 10 आदमी किसी काम को 100 दिन में कर सकते हैं, तो 5 आदमी कितने दिन में करेंगे? भाई जब आदमी आधे हो रहे हैं यानी कि क्षमताएं आधी हो रही हैं, तो समय दुगना लगेगा। जब कार्य फिक्स हो तो क्षमता और समय एक दूसरे का उल्टा काम करते हैं। जब क्षमता बढ़ती है तो समय घटता है, जब क्षमता घटती है तो समय बढ़ता है। तो इस सवाल के अंदर क्षमता आधी होगी तो भी समय दुगना हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 दिन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। 2 आदमी, 3 महिलाएं तथा 4 बच्चे मिलकर किसी 10 हेक्टेयर के खेत की निराई 10 दिन में करते हैं। यदि एक आदमी, एक महिला तथा एक बच्चे की कार्य क्षमताएं 5:4:2 के अनुपात में हो, तो 6 आदमी, 4 महिलाएं तथा 7 बच्चे मिलकर 16 हेक्टेयर क्षेत्रफल के एक खेत की निराई कितने समय में करेंगे? देखो भाई, आदमी, महिला और बच्चे, इन तीनों की क्षमताओं का आपको अनुपात दिया है। भाई आदमी, महिला और बच्चे, ठीक है। यदि आदमी की क्षमता 5 है तो एक महिला की क्षमता 4 है और एक बच्चे की क्षमता 2 है। अब देखो भाई, आपसे क्या कहा गया, 2 आदमी, 3 महिलाएं और 4 बच्चे। 2 आदमी यानी 2 मैन प्लस 3 महिलाएं, 3 वुमेन प्लस 4 बच्चे यानी 4 बॉयज, भाई इनकी क्षमता मिलकर कितनी हो गई? क्षमता की बात कर रहा हूं मैं। भाई एक आदमी की क्षमता 5 है तो 2 आदमियों की कितनी हो जाएगी? भाई मैं कहूंगा 10। एक औरत की क्षमता 4 है तो 3 औरतों की कितनी? भाई 12। एक बच्चे की क्षमता 2 है तो 4 बच्चों की कितनी? भाई 8। तो कितनी होगी भी इनकी क्षमता? 30 यूनिट, यानी कि तीनों मिलके एक दिन में 30 यूनिट काम कर देते हैं। तीनों कौन? भाई 2 आदमी, 3 औरतें और 4 बच्चे मिलकर। अब इन्होंने क्या कहा, इनकी क्षमता हो गई है 30 और इन्होंने 10 दिन लिए 10 हेक्टेयर को क्या किया, 10 हेक्टेयर को निराई करी है 10 हेक्टेयर की। तो अब देखो भाई, क्षमता गुना में समय बटा कार्य बराबर कर दो क्षमता गुना में समय बटा कार्य। क्षमता पता चल गई भाई आपको, इन लोगों की क्षमता कितनी थी? 30। तो भाई 30 की क्षमता से कितना समय लिया? 10 दिन लिए और कार्य कितना किया? भाई 10 हेक्टेयर की निराई की, तो बटे में कार्य, कार्य की जगह मैंने लिख दिया 10। अब ये बराबर में भाई नई क्षमता गुना नया समय बटा नया कार्य। अब नई क्षमता क्या हो गई भाई? 6 आदमी, 4 महिलाएं और 7 बच्चे। देखो 6 मैन, 4 वुमेन और 7 बॉयज, भाई इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी? एक आदमी की 5 है तो 6 आदमियों की कितनी? 30। एक वुमेन की 4 है तो भाई 4 की कितनी? 16। एक बच्चे की क्षमता 2 है तो 7 बच्चों की कितनी? भाई 14। तो भाई 30, 16 और 14 कितना हो जाएगा मिलके? 60। यानी अब जो नई क्षमता है वो कितनी होगी भाई? 60 होगी। ठीक है, तो अब इन्हें 60 की क्षमता से काम करना है गुणा में कितना समय लेंगे, ये उसने पूछा भी कितना समय लेंगे। मैंने मान लिया x समय लेंगे। बटा में कार्य, कार्य कितना भाई? 16 हेक्टेयर क्षेत्रफल की निराई करनी है तो बटे में 16। ठीक है, यानी कि 30 की क्षमता 10 दिन में 10 हेक्टेयर की निराई करती है, तो 60 की क्षमता कितने दिनों में 16 हेक्टेयर की निराई करेगी? तो 30 गुणा में 10 बटा 10 बराबर कर दिया 60 गुणा में x बटा में 16। यहां से देखो 10 से 10 कट गया, 30 काटेगा इस 60 को 2 पे, तो x का मान कितना आ जाएगा भाई? 16/2 यानी 8। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा भाई, 8 दिन। चलिए भाई नेक्स्ट। 1 पुरुष, 3 महिलाएं और 4 लड़के एक कार्य को 96 घंटे में कर सकते हैं। 2 पुरुष और 8 लड़के उसे 80 घंटों में कर सकते हैं। 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसे 120 घंटों में कर सकते हैं, तो 5 पुरुष और 12 लड़के उसे कितने घंटों में करेंगे? ठीक है भाई, देखो 1 पुरुष, 3 महिलाएं और 4 लड़के। पुरुष को मैं लिखूंगा M मतलब मैन, महिला को लिखूंगा W मतलब वुमेन और बच्चे को लिखूंगा B मतलब बॉय।
तो देखो भाई, एक मैन, तीन वुमेन और चार बॉय, कितने दिन ले रहे हैं भाई? ना, 96 घंटे ले रहे हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन दी उसने, दो मैन और 8 बॉयज, कितने दिन ले रहे हैं भाई? 80 घंटे ले रहे हैं। तीसरी कंडीशन दी भाई, दो मैन और तीन वुमेन, कितने टाइम ले रहे हैं भाई? 120 घंटे ले रहे हैं। तो इनका एलसीएम ले लो भाई, 96, 80 और 120, इनका एलसीएम कितना भाई? 480, ठीक है। अब 480 बटा में 96 कितना? 5। 480 बटा में 80 कितना भाई? 6। और 480 बटा में 120 कितना भाई? 4। यानी कि एक आदमी, तीन औरत और चार बच्चों की क्षमता मिलके 5 है, दो आदमी और 8 बच्चों की मिलके क्षमता 6 है, और दो आदमी और तीन औरतों की मिलके क्षमता 4 है। आपसे पूछा क्या गया है, 5 पुरुष और 12 लड़के कितने घंटों में करेंगे, यानी आपको पुरुष की क्षमता चाहिए और लड़के की क्षमता चाहिए। तो देखो भाई, यहां से आप डाटा देखो, देखो भाई, एक पहली वाली चीज देखो, इसमें एक आदमी है, ये जो पहला है, एक आदमी है और चार बच्चे हैं, एक मैन, चार बॉयज। और जो दूसरी वाली कंडीशन है अपने पास, इसके अंदर अपने को क्या गिवन है, दो मैन और 8 बॉयज। तो देखो, यहाँ पे एक आदमी, चार बच्चे, और यहाँ पे दो आदमी, 8 बच्चे, तो ये दुगने हो रहे हैं। तो मैं यहां से, यहाँ पे जब ये दो आदमी और 8 बच्चों की क्षमता दे रखी है 6, तो मैं एक आदमी और 4 बच्चे की क्षमता निकाल सकता हूँ भाई। जब दो आदमी और 8 बच्चे, इनकी क्षमता 6 है, तो मैंने आधे कर दिए भाई, एक आदमी कर दिया और 4 बच्चे कर दिए, तो भाई क्षमता भी आधी हो जाएगी। 6 की आधी कितनी भाई? 3। देखो, दो आदमी और 8 बच्चों की क्षमता कितनी दे रखी है? 6। तो मैं कहूंगा एक आदमी और 4 बच्चे की क्षमता कितनी हो जाएगी भाई? आधी। 6 की आधी कितनी? 3। अब इस चीज का मैं इस्तेमाल यहां करूंगा, ये वाली चीज यहां पे लिख देता हूं, एक आदमी, तीन औरत और 4 बच्चे, इनकी क्षमता कितनी है? 5। जबकि एक आदमी और 4 बच्चे की तो मिलकर क्षमता कितनी है? 3। तो तीन औरतों की कितनी बच गई भाई? मैं कहूंगा तीन औरतों की क्षमता हो गई 2। तो एक औरत की क्षमता कितनी भाई? 2/3। अब एक औरत की क्षमता का पता चल गया, अब आप इसको या तो यहां पे पुट कर दो, देखो इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, जब दो आदमी, सॉरी, दो आदमी और तीन औरतों की क्षमता 4 है, और मुझे एक औरत की क्षमता पता है भाई 2/3 है, तो मैं यहां पे औरत की क्षमता अगर पुट कर दो तो मुझे आदमी की क्षमता का पता चल जाएगा। देखो, दो आदमी और तीन औरत, इनकी क्षमता कितनी दे रखी है भाई? 4। लेकिन मुझे एक औरत की क्षमता का पता है कितना है भाई? 2/3। तो मैं पे W की जगह 2/3 लिख देता हूं, 2 × 3 × 2/3, इनकी क्षमता 4 है, 3 से 3 कट गया। तो मैं कहूंगा दो आदमियों की क्षमता कितनी होगी भाई? 2 उधर जाएगा, 4 में से 2 गए, 2 बच्चे, तो एक आदमी की क्षमता कितनी भाई? 1। यानी एक आदमी की क्षमता 1 है, पता चल गया। अब और क्या चाहिए? एक लड़के की क्षमता का पता करना है, तो यहां पे पुट कर दो, दो आदमी और 8 लड़कों की क्षमता कितनी है भाई? 6 है। या फिर यहां पुट कर दो, देखो एक आदमी और 4 लड़के की क्षमता 3 है, बात तो एक ही है। तो देखो, मैं यहां से कह सकता हूं, दो आदमी और 8 लड़के, इनकी क्षमता 6 है, और एक आदमी की क्षमता 1 है, तो दो आदमी की क्षमता 2 हो गई। तो मैं कहूंगा 8 बच्चों की क्षमता कितनी भाई? ये 2 वहां पे जाएगा, 6 में से 2 गए, 4 बच्चे, तो एक बच्चे की क्षमता कितनी भाई? 1/2, ठीक है। अब एक आदमी की क्षमता है 1 और एक बच्चे की क्षमता है 1/2, और आपको कितने चाहिए भाई? 5 आदमी चाहिए और 12 लड़के चाहिए, तो 5 आदमियों की क्षमता कितनी हो जाएगी भाई? और 12 लड़के, एक आदमी की क्षमता 1 है, तो 5 आदमियों की 5 हो गई, और एक लड़के की क्षमता आधी है, तो भाई 12 लड़कों की कितनी भाई? 12 का आधा 6, तो इन दोनों की मिलकर क्षमता कितनी हो गई भाई? 11। यानी कि 5 आदमी और 12 लड़कों की मिलकर क्षमता कितनी होगी? 11। अब इन लोगों को एक काम करना है, कितना काम है? 480 यूनिट, 480 यूनिट काम करेंगे 11 की क्षमता से, तो कितना समय लगेगा भाई? 480 बटा में 11 कितना जाएगा ये? 11 चौके 44, 4 बचा 11 3 33, फिर 7/11, तो 43 सही, 7/11 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब देखो, काफी लेंदी पड़ गया ये, ठीक है, तरीका यही है इसको करने का, आप साहब एग्जाम में इसी तरीके से इसको फटाफट करोगे, अदरवाइज आप ऑप्शन से भी उठा सकते थे इस सवाल को, ठीक है। एक बार मैं इसको मिटा देता हूं, देखो भाई,
अब तक हमने जितने भी सवाल किए हैं टाइम एंड वर्क के, जब भी आपसे लास्ट में ये पूछा जाए कि भाई ये लोग मिलकर कितने समय में इस कार्य को करेंगे, तो हमें पता है भाई जो समय होता है वो क्या होता है भाई, कार्य बटे क्षमता। भाई यही तो होता है हमेशा, जब भी हम कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं और हमसे समय पूछा जाए तो हम लास्ट में क्या करते हैं भाई, कार्य को भाग दे देते हैं क्षमता से, तो पता चल जाता है कितना समय आया। अब आप एक बताओ, कार्य आप हमेशा क्या मानते हो, कार्य हम हमेशा एलसीएम मानते हैं कि नहीं मानते हैं? भाई जैसे मैं कहूँ, एक आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और एक उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है, तो मैं कार्य कितना मानता हूँ, न 15 न 10 कितना मानता हूँ, इनका एलसीएम कितना भी 30, ठीक है, तो यानी मैं कार्य हमेशा इनका एलसीएम मानता हूँ, फिर बटे में क्षमता करता हूँ। तो अब क्षमता जो है वो या तो अगर उसके पहाड़े में कार्य आ रहा है तो या तो उसको काट देगी और या फिर नहीं काटेगी। अगर काट भी देगी, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लू भाई जो क्षमता है किसी की, क्षमता मान लो है 6 और कार्य है कितना भाई, मैं कहूंगा मान लेते हैं भाई 72, ठीक है, तो भाई समय कितना लगा, मैं कहूंगा भाई 72 बटा में 6 कितना 12, तो मेरा जो उत्तर आया ये 12, इस 12 के पहाड़े में भाई 72 आता है कि नहीं आता है, आता है ना, तो यानी कि इसका मतलब या तो इसको काटेगा, तो काटे भी गा तो जो मेरा उत्तर बचेगा उसके उत्तर में, जो मेरे उत्तर के अंदर के पहाड़े में भाई कार्य पक्का मिलेगा, ठीक है, ये बात तो पक्की होगी। अब खुद सोचो, ये जो क्वेश्चन था इसके अंदर उसने आपको जो 3 टाइप के कार्य समय दिया हुआ था, 96 घंटे, 80 घंटे और 120 घंटे, जब आपने इनका एलसीएम लिया तो कितना आया भाई, 480। अब हमें ये तो पता है लास्ट में जो भी मैं उत्तर निकालूंगा वो उत्तर क्या होगा भाई, 480 बटे में कुछ होगा, ठीक है, 480 बटे में कुछ आएगा जो भी मेरा उत्तर होगा। अब जो नीचे जो चीज होगी भाई वो या तो इस 480 को काटेगी और या फिर नहीं काटेगी, अगर काट भी देगी तो जो उत्तर बचेगा उसके पहाड़े में 480 आएगा, ठीक है, मतलब इसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसा होगा। अगर आपकी किस्मत बहुत ही खराब है तो हो सकता है भाई क्षमता पॉइंटों में आए, है ना, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है कभी कि भाई क्षमता 7 या 8 न हो, कभी 7.5 हो, क्षमता 12 न हो, 13 न हो, मैं कहूंगा 12.6 हो, लेकिन आपने देखा होगा अब तक हमने इतने सवाल किए हैं बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि भाई क्षमता हमें पॉइंट में मिली हो, अक्सर हमें क्षमता पूरी पूरी मिल जाती है। तो इस सवाल के अंदर भी अगर हम जैसे 99% केसेज में मिली जाती है क्षमता पूरी पूरी, कोई नंबर पॉइंट में नहीं मिलता, तो अगर इस सवाल में भी हम मान लेंगे पॉइंट में नहीं मिलेगी तो मैं कहूंगा मेरा जो उत्तर होगा उसके पहाड़े में 480 आएगा। तो देखो भाई क्या क्या उत्तर दे रखे हैं, पहला उत्तर ये है, मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार, पहला उत्तर है 39 सही 1/11, भाई कितना 390 और 39 कितना हो गया भाई 429 और एक 430, तो ये आपको दे रखा है 430 बटा 11, ठीक है। दूसरा उत्तर आपका 42 सही 7/11, भाई 420 और 42 कितना 462 और 7 469/11 हो गया ये। तीसरा ऑप्शन है 43 सही 7/11, कितना हो गया भाई ये 480/11 और चौथा ऑप्शन हो गया आपका 44 घंटे। ये 4 ऑप्शन आपके पास। अब आप खुद देखो, जब ये 4 ऑप्शन है और हमें पता है एलसीएम 480 आया था तो इनके पहाड़े में 480 पक्का आना चाहिए भाई, क्या इसके पहाड़े में 480 आएगा, नहीं भाई, जो नीचे जो है ये हर को एक बार भूल जाओ, सिर्फ अंश को देखो, 430 के पहाड़े में 480 आता है क्या, नहीं, 469 के पहाड़े में 480 आएगा, नहीं, ये देखो 480 यहाँ पे है तो ये हो सकता है, क्या 44 के पहाड़े में 480 आता है भाई, नहीं आता, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप ऑप्शन से भी ऐसे उठा सकते हो, कभी अगर लेंदी क्वेश्चन आ जाए आपके पास एग्जाम के अंदर तो आप ऐसे ऑप्शन से उठा के उसको कर सकते हो। चलो भाई नेक्स्ट, 20 औरतें मिलकर किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकती हैं, 16 आदमी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो आदमी की क्षमता और औरत की क्षमता का अनुपात बताएं। देखो आसान है, 20 औरतें 16 दिन में कर रही हैं, तो मैं कहूंगा भाई 16 दिन ले रहे हैं कौन, 20 औरतें, तो 20 डब्लू कर दूं, डब्लू मतलब वुमेन, और 16 आदमी 15 दिन में कर रहे हैं, मैं कहूंगा 15 दिन कौन लगाते हैं, 16 आदमी, आदमी को लिख देता हूं एम, तो भाई ऐसे कुछ कट रहा है तो पहले काट लो, देखो ये 16 और ये 16 आपस में कट गए, ठीक है, और 4 से काटोगे तो ये भी कट जाएगा, 20 वुमेन बराबर हो गए 15 में, 4 से काटूंगा मैं इसको तो क्या बचेगा, 4 वुमेन बराबर हो, ना 5 से काटेंगे इसको, सॉरी 4 से नहीं, 5 के 20 और 5 दिया 15, तो 4 वुमेन बराबर हो गया 3 में, तो मैं कहूंगा उसने आपसे पूछा क्या है, आदमी और औरत, यानी डब्लू ना मैन रेशियो वुमेन, एम रेशियो डब्लू, तो भाई एम को वो मिलेगा जो डब्लू के पास है और डब्लू को वो जो एम के पास है, तो कितना जाएगा भाई ये 4:3, ठीक है, तो इनका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, 4:3 इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट,
यदि 40 पुरुष या 60 महिलाएं या 80 बच्चे किसी कार्य को 6 महीने में कर सकते हैं, तो 10 पुरुष, 10 महिलाएं और 10 बच्चे मिलकर उसके आधे कार्य को कितने महीने में पूरा करेंगे? देखो, 40 आदमी हो या 60 महिलाएं हो या 80 बच्चे हो, वो भी बराबर टाइम ले रहे हैं तीनों, ठीक है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 40 आदमियों की क्षमता बराबर है 60 महिलाओं की क्षमता के, और वो बराबर है 80 बच्चों की क्षमता के। तो मैं कहूंगा 40 मैन की क्षमता बराबर है 60 वुमेन की क्षमता, और ये बराबर है 80 बॉयज की क्षमता, ठीक है। तो यहां से मैं तीनों का अनुपात निकाल सकता हूँ। भाई कैसे, एक बार तो जीरो को तो हटाई, तो 20 से काट दो तीनों को। मैं क्या कहूंगा, 2m बराबर 3w बराबर 4b, ये आ गया। तो मैन रेशियो, वुमेन रेशियो, बॉयज, इनके एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ। भाई कैसे, 2, 3 और 4, इनके इनका एलसीएम कितना होगा, 12। तीनों को 12 से भाग दे दो, तो 2 12 को काटेगा कितना बचेगा भाई, 6। 3 जब 12 को काटेगा कितना बचेगा, 4। 4 जब 12 को काटेगा तो ये बचेगा 3, ठीक है। ये चीजें रेशियो प्रोपोर्शन के चैप्टर में कर चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया इस बार मैंने। तो देखो, आदमी की क्षमता 6, औरत की 4 और बच्चे की 3 है। अब आपको बोला क्या गया था, पहले तो निकालो भाई कार्य क्या होगा। कार्य उसने कहा भाई, या तो 40 पुरुष से करवा लो या 60 महिलाओं से या 80 बच्चों से, कैसे भी करवा लो, कार्य तो वही आना है अपना। तो मैंने मान लिया 40 पुरुष, एक पुरुष की क्षमता 6, तो 40 की कितनी भाई, 40 गुना में 6, ये तो गई क्षमता। और कार्य क्या होता है, क्षमता गुना समय। इन्होंने कितना समय लिया, 6 महीने लिए, तो मैंने इसको गुणा कर दिया 6 से, ये तो हो गया कार्य, ठीक है। अब क्षमता निकाल लेता हूं मैं, किस क्षमता से कार्य करवाना है। 10 पुरुष, 10 महिलाएं और 10 बच्चे, एक पुरुष की क्षमता 6 है तो 10 की कितनी, 60। एक महिला की क्षमता 4 है तो 10 की कितनी, 40। एक बच्चे की क्षमता 3 है तो 10 की कितनी, 30। कितना उत्तर आ जाएगा भाई, क्षमता हो गई 130। यानी 130 की क्षमता से इतना काम करवाना है, 40 गुना 6 गुना 6, तो कितना समय लगेगा। मैं कहूंगा भाई ये समय लगेगा 40 गुणा में 6 गुणा में 6 बटा में 130, ठीक है। जीरो से जीरो कट गया, कितना भाई, 4 6 24 और 24 6 144, तो 144/13 उत्तर हो जाएगा, जिसको मैं कहूंगा भाई 11 सही 1/13। भाई ऑप्शन डी, 11 सही 1/13 या फिर 144/13 इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, किसी कार्य को एक आदमी एक महिला से दुगनी तेजी से करता है और महिला एक लड़के से दुगनी तेजी से करती है। देखो भाई, एम यानी आदमी मतलब मैन, डब्ल्यू मतलब वुमेन औरत, और बी मतलब बॉय लड़का मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो, उसने कहा है कि भाई लड़के से दुगनी क्षमता है महिला की और महिला से दुगनी क्षमता है आदमी की। तो मैंने लड़के की क्षमता मान ली 1, तो महिला की हो गई 2 दुगनी, और आदमी की कितनी हो जाएगी, महिला से भी दुगनी, कितनी, 4। ये तो बोला है, किसी कार्य को एक आदमी एक महिला से दुगनी तेजी से करता है, दुगनी तेजी से कर रहा है तो मतलब उसकी क्षमता दुगनी है, और महिला एक लड़के से दुगनी तेजी से कर रही है, यानी महिला की क्षमता लड़के से दुगनी है। यदि आदमी, महिला और लड़का मिलकर उस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो इनकी मिलकर क्षमता कितनी होगी, 4 2 और 1, 7 क्षमता होगी। 7 क्षमता से 7 दिन ले रहे हैं, तो कार्य कितना हो गया भाई, क्षमता गुणा में समय, 7 गुणा में 7, ये तो कार्य हो गया। अब ये कार्य किससे करवाना है, लड़का अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो लड़के की क्षमता से मैं भाग दे दूं उसको, कार्य बटा क्षमता समय होता है, तो किसका समय निकालना है, लड़के का, तो लड़के की क्षमता से इसको भाग दे दूं, लड़के की क्षमता कितनी है, 1, तो कितना उत्तर आ जाएगा भाई, 49। भाई लड़का 49 दिन में इस कार्य को पूरा करेगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, 2 पुरुष और 1 महिला एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 महिलाएं और 2 पुरुष उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष को 180 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं, तो एक महिला को प्रतिदिन कितने मिलेंगे, ठीक है। तो देखो, पैसा उसी अनुपात में बैठेगा जिस अनुपात में इनकी क्षमताएं होंगी, अगर ये दोनों बराबर समय के लिए काम कर रहे हैं तो। अब 2 पुरुष और 1 महिला कितने दिन ले रहे हैं, 14 दिन, तो 14 दिन का काम किसका भाई, 2 पुरुष और 1 महिला का। पुरुष को लिख देता हूं एम, महिला को लिख देता हूं डब्ल्यू। यही काम और कौन कर सकता है, 4 महिलाएं और 2 पुरुष 8 दिन में कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा 8 दिन का काम 2 मैन और 4 वुमेन का, ठीक है। तो ऐसे आप रेशियो निकाल सकते हो भाई, 14 दूनी 28 मैन प्लस 14 वुमेन बराबर हो गया 16 मैन प्लस 32 वुमेन। भाई 16 को यहां ले आओ, 28 में से 16 गए, 12 मैन बराबर, भाई 14 उधर गए, 32 में से 14 गए, बचे 18 वुमेन। तो मैं कह सकता हूँ मैन अनुपात वुमेन कितना भाई, 18:12, जिसको मैं कहूंगा 3:2, ठीक है। यानी आदमी और औरत की क्षमता का अनुपात 3:2 है, तो इसी अनुपात में उनको पैसा बटेगा, जिस अनुपात में इनकी क्षमताएं थी। आदमी को मिल रहे 180 रुपए प्रतिदिन,
तीन की जगह 180 दे रखा है, कितना गुना? 60 गुना। तो मैं कहूंगा औरत को 2 का 60 गुना, कितना? 120 रुपए मिलेंगे प्रतिदिन। सो ऑप्शन सी 120 रुपए इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। पांच बच्चों को किसी कार्य को पूरा करने में जो समय लगता है उससे दुगना समय उसी कार्य को पूरा करने में 4 पुरुषों को लगता है। एक बार यासीन के एफिशिएंसी का रेशियो निकालो इतने डाटा से। देखो भाई, पांच बच्चे एक काम को जितने टाइम में कर रहे हैं उससे दुगना टाइम ले रहे हैं, कितने लोग ना कितने पुरुष? 4 पुरुष। तो देखो उससे दुगना समय ले रहे हैं 4 पुरुष, तो अगर मैं 8 पुरुष कर दूं तो दुगना समय नहीं लेंगे, इस टाइम पे पूरा कर देंगे काम को जितने टाइम में 5 लड़के कर रहे थे। तो मैं कह सकता हूं 5 लड़के एक काम को जितने टाइम में करेंगे उतने ही टाइम में 8 पुरुष करेंगे, क्योंकि वो कह रहा है 4 पुरुष दुगना समय ले रहे हैं तो 8 पुरुष टाइम पे पूरा कर देंगे उस काम को। तो मैं कह सकता हूं भाई, 5 बच्चे 5 बॉयज की क्षमता बराबर है 8 मेन के, 8M लिख दिया मैंने, ठीक है। अब बोला प्रत्येक पुरुष महिला की तुलना में दुगनी गति से कार्य करता है। अच्छा, महिला भी आ गई, तो यहाँ पे काम करो बॉय अनुपात मैन लिख लो, कितना हो जाएगा भाई? 8 अनुपात 5। अब वुमेन और आ गई, वुमेन को मैंने मैंने लिख दिया W, ठीक है। आपको ये बोला है कि भाई प्रत्येक पुरुष महिला की तुलना में दुगनी गति से कार्य कर रहा है, तो महिला से दुगनी क्षमता हो गई पुरुष की, पुरुष की क्षमता 5 है तो महिला की कितनी कहूंगा मैं? 2.5, ठीक है, महिला की क्षमता हो गई 2.5। अब क्या बोला, इस कार्य को पूरा करने के लिए 12 पुरुषों 10 बच्चों और 8 महिलाओं को कितना समय लगेगा? यदि यह मान लिया जाए कि एक बच्चा इस कार्य को 20 दिनों में पूरा करेगा, तो पहले देखो कार्य कितना होगा, एक बच्चा 20 दिन में पूरा कर रहा है, तो भाई एक बच्चे की क्षमता कितनी है? 8, और 8 की क्षमता से 20 दिन ले रहा है, तो क्षमता गुना में समय, 160 यूनिट काम था। अब ये 160 यूनिट काम किन से करवाना है? 12 पुरुषों से, 10 बच्चों से और 8 महिलाओं से। भाई 12 मेन 10 बॉयज और 8 वुमेन, इनकी क्षमता कितनी होगी? भी एक आदमी की क्षमता 5 है तो 12 आदमियों की कितनी? 60। एक बच्चे की क्षमता 8 है तो 10 की कितनी भाई? 80। एक वुमेन की क्षमता 2.5 है तो 8 की कितनी हुई? 8 का 2.5 गुना कितना होता है? 20। तो क्षमता कितनी हुई? 60 प्लस 80 140 और प्लस 20 160। अब 160 की क्षमता से 160 ही काम करना है। अगर आप रोज 160 यूनिट काम कर रहे हो तो कितने दिन में 160 यूनिट काम हो जाएगा भाई? 160 बटा में 160 कितने दिन भाई? 1 दिन। सो मैं कहूंगा ऑप्शन डी भाई 1 दिन इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। ए बी तथा सी मिलकर एक कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी तथा सी की कार्य कुशलता का अनुपात दे दिया तो सी अकेला कितने दिनों में करेगा? ये तो बहुत ही आसान बना दिया आपके लिए। ए बी और सी की क्षमताओं का अनुपात दे दिया भाई 15 अनुपात 10 अनुपात 6। अब ये तीनों मिलकर 25 दिन में कर रहे हैं तो तीनों की क्षमता कितनी होगी अभी? 15 प्लस 10 25, 25 और 6 31। तो 31 की क्षमता से 25 दिन ले रहे हैं तो कार्य कितना हो गया भाई? क्षमता गुना में समय, 31 गुना में 25। अब ये कार्य किससे करवाने है? सी से अकेले से, तो मैं सी की क्षमता से इसको भाग दे दूं, कार्य बटा क्षमता समय मिलेगा, तो बटे में भाई सी की क्षमता कितनी है? 6। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 6। अब 31 के गुना 25 से, देखो 25 का 3 गुना होता है 75, तो 25 का 30 गुना हो गया 750, और 31 गुना करना है तो 750 में 25 और जोड़ दो, 775 बटा में 6, जो कि ऑप्शन सी में आपके पास, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट। ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए? देखो ए बी और सी, ए लेगा 20 दिन, बी 30 दिन और सी 60 दिन, एलसीएम आ गया भाई कितना? 60। ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2 और सी की क्षमता 1। अब बोला क्या, ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा यदि बी और सी हर तीसरे दिन उसकी मदद करे? तो देखो भाई पहले दिन तो ए अकेला आएगा काम करने, ए की क्षमता कितनी है भाई? 3। तो पहले दिन ए काम करेगा 3। अगले दिन कौन आएगा भाई? फिर से ए ही आएगा, ए की क्षमता कितनी है? 3। लेकिन तीसरे दिन बी और सी भी आएंगे मदद करने, तो एक ए तो रहेगा ही रहेगा, बी और सी भी आएंगे, तो ए की क्षमता 3, बी की 2 और सी की 1, 3 2 और 1 कितने हो गए भाई? 6। यानी 3 दिन में कितना काम हो जाएगा? 3 प्लस 3 प्लस 6 12 यूनिट। मैं कहूंगा 3 दिन में कितना काम होगा भाई? 12 यूनिट काम हो जाएगा, ठीक है। और हमें काम कितना करना है? 60 यूनिट।
तो देखो हर 3 दिन में 12 यूनिट काम होगा, पहले 3 दिन में 12, अगले 3 दिन में 12, अगले 3 दिन में 12, तो अब देखो 60 यूनिट टोटल काम है। तो मैं 12 को कुछ ऐसे गुणा करूं कि या तो पूरा 60 पे पहुंचे या 60 से जस्ट नीचे, आपको 60 से ऊपर नहीं लेके जाना इसको। तो देखो 60 आ ही रहा है 12 के पहाड़े में, 12 का 5 गुना 60, तो मैं कहूंगा 3 का 5 गुना कितना, 15, भाई 15 दिन में 60 यूनिट काम हो जाएगा। ऑप्शन कितना भाई, सी। ठीक है, यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन मदद की जाए तो भाई 15 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट। दो कर्मियों ए तथा बी ने एक साथ मिलकर एक कार्य 5 दिनों में पूरा कर दिया। यदि उनमें ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से दुगनी क्षमता से कार्य किया होता और बी ने अपनी वास्तविक क्षमता से 1/3 क्षमता से कार्य किया होता तो वही कार्य 3 दिनों में पूरा हो जाता, तो ए अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता था। देखो भाई ए और बी अगर साथ मिलकर काम करे तो 5 दिन में काम हो रहा है, तो मैं कहूंगा 5 दिन का काम ए और बी का मिलके बराबर है किसके, 3 दिन के काम के, जब ए अपनी क्षमता से दुगनी और बी अपनी 1/3 क्षमता से काम करता है। तो ए अपनी दुगनी क्षमता से भाई 3 दिन में काम हो रहा है, ए की क्षमता तो हुई दुगनी, तो मैंने 2 ए कर दिया, प्लस में बी अपनी क्षमता का 1/3 क्षमता से, तो मैं कहूंगा भाई बी 1/3 क्षमता से काम करेगा। ठीक है, बराबर हो गया। अब मैं ऐसे कहूंगा 5A + 5B बराबर हो गया 6A + भाई बी 1/3 गुना में 3 कितना भाई, बी ही बचेगा, तो ऐसे मुझे मिल जाएगा भाई A = 4B। सो ए और बी की क्षमता का अनुपात मिल जाएगा भाई कितना, 4:1। ठीक है, यानी ए की क्षमता 4 है तो बी की क्षमता 1 है। अब दोनों मिलकर 5 दिनों में इस काम को कर सकते हैं, तो भाई कार्य कितना हो गया, क्षमता गुना में समय, क्षमता कितनी होगी 4 और 1 5, 5 की क्षमता से 5 दिन ले रहे हैं, तो कार्य कितना हो गया भाई, मैं कहूंगा 5 गुणा में 5, ठीक है 25 हो गया कार्य। अब ये कार्य किससे करवाना है, ए अकेले से, तो ए की क्षमता से इसको भाग दे दूं, ए की क्षमता कितनी है 4, तो बटा कर दिया मैंने 4, तो उत्तर कितना हो जाएगा भाई 25/4, जो कि ये रहा 6 से ही 1/4 25/4। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है, यदि 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और आ जाने पर शेष भोजन 35 दिन के लिए पर्याप्त होता है तो किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। देखो भाई प्रारंभ में जितने भी व्यक्ति थे भाई 50 दिनों के लिए वो खाना चलता, अब 10 दिन तो हो गए तो 10 दिन तक तो कोई छेड़खानी नहीं हुई, लेकिन 10 दिन के बाद 500 व्यक्ति और आए, तो अगर 10 दिन के बाद और व्यक्ति नहीं आते तो भाई खाना 40 दिन और चलता, क्योंकि टोटल 50 दिन चलना था, 10 दिन तो हो गए तो अभी 40 दिन और चलता। तो मैंने मान लिया शुरू में एक्स आदमी थे, तो अगर ये एक्स ही आदमी रहते तो 10 दिन जाने के बाद अब 40 दिन और चलता खाना, तो मैं कहूंगा भाई एक्स आदमी 40 दिन चलाते इस खाने को, लेकिन यही खाना अब 500 व्यक्ति और आ गए तो अब आदमी कितने हो गए भाई, एक्स प्लस 500, और अभी कितने दिन चला भाई 35 दिन चला, तो मैं कहूंगा एक्स प्लस 500 आदमियों ने इस खाने को चलाया 35 दिन। ठीक है भाई, कार्य क्या होता है, क्षमता गुणा में समय, एक्स आदमी यानी कि एक्स क्षमता हो गई वो 40 दिन बराबर एक्स प्लस 500 आदमी, ये क्षमता हुई और गुणा में 35 दिन जो कि समय है, यहां से आपको आंसर मिल जाएगा भाई 40x + 35x + 500 × 35। ठीक है, यहां से इधर एक्स 40x में से 35x गए तो 5x बचेंगे, तो x का मान कितना 500 × 35/5, 5 काट देगा 500 को 100 पे, तो 35 × 100 भाई 3500, ऑप्शन ए 3500 इज द राइट आंसर। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके बाकी के क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए टाटा टेक केयर बाय बाय।